उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने पूरे प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कंगारू मदर केयर योजना को शुरू करने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने कंगारू मदर केयर योजना इसलिए शुरू की है ताकि लाखों नवजातों की जान बचाई जा सके। अब जो आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं उसके अनुसार 2 लाख नवजात बच्चे हर साल अपनी जान गंवा देते हैं, जिनमें करीब 1.5 लाख बच्चों की मौत पहले महीने में ही हो जाती है। इस योजना में पैदा हुए नवजात बच्चों को उनकी माँ या सेविकाएं ऐसे बच्चों को अपनी छाती से चिपकाकर रखती हैं। इसके लिए हर जिले के अस्पताल में एक कमरा बनाया गया है जहां ऐसे बच्चों को रखा जाता है। 25 जिला महिला अस्पतालों में शुरू हुई सेवा। योजना के बारे में बाल स्वास्थ्य विभाग के महाप्रबंधक डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि कैसे योजना के तहत काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार नवजात शिशुओं को उचित सेवाएं देने में और बीमार नवजात शिशुओं को इलाज देने के लिए कृतबद्ध है। इसी क्रम में प्रदेश में चरणबद्ध रूप से सिक न्यूबॉर्न केयर इकाइयों की स्थापना मेडिकल कॉलेज, जिला महिला चिकित्सालयों, संयुक्त चिकित्सालयों में की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में 76 इकाइयां क्रियाशील हैं। मातृ और शिशु मृत्यु दर के मामले में उत्तर प्रदेश की हालत बेहद खराब है। इसको सुधारने के लिए पिछले 10 साल से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से काफी प्रयास हो रहे हैं। इसमें एक नया प्रयास कंगारू मदर केयर योजना शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में हर तीसरी महिला अल्पपोषित है। इसके कारण वो कम वजन के शिशु को जन्म देती है। उन्होंने कहा कि नवजात शिशु में पोषण की कमी माता के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। इसके लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत गर्भावस्था के दौरान ही हो जाती है। योजना के तहत पंजीकरण कराते ही गर्भवती महिला को प्रथम किश्त के रूप में 1,000 रुपए दिए जाएंगे। फिर 6 महीने बाद कम से कम एक प्रसव पूर्ण जांच पर दूसरी किश्त के रूप में 2,000 रुपए दिए जाएंगे। तीसरी और अंतिम किश्त के रूप में 2,000 रुपए प्रसव के बाद नवजात शिशु के पंजीकरण एवं जन्म के बाद प्रथम टीका चक्र पूरा होने पर दिया जाएगा। प्रदेश के 41 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड स्टोरेज हेतु लाइसेंस दिया गया है, जिसमें 10 ब्लड स्टोरेज यूनिट एक्टिव हो गई हैं। शेष केंद्रों पर भी ये सुविधा शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगी। मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री ने ये भी जानकारी दी कि प्रदेश में समय से पूर्व जन्मे बच्चों की विशेष देखभाल करने और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए वर्तमान में 42 जनपदों में 56 कंगारू मदर केयर इकाइयों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल और उचित इलाज के लिए 17 नए SNCU की स्थापना की गई है। परिवार कल्याण मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लिंगानुपात को बेहतर करने और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए मुखबिर योजना को लागू किया गया। सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत 40 जनपदों में सामुदायिक केंद्रों पर पीपी मोड पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा जुलाई से शुरू हो चुकी है, जिसका बड़ी संख्या में लाभ दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 2 लाख नवजात शिशु की मौत होती है, जिनमें लगभग 1.5 लाख बच्चों की मौत पहले महीने में ही हो जाती है। इस योजना के तहत जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में एक कमरा बनाया गया जहां डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि यहां केवल सुरक्षित नवजात शिशु को रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।